आम ले लो। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Ahmed with another vlog. हाँ तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है ना भाई कि अभी आ गए हैं आम के बाग में। मेरा पिछला व्लॉग जो था भाई उसमें मैंने रूरल एरिया का व्यू दिखाया था, तो मेरा एक भाई थे उन्होंने बोला यार कहाँ जाते हो दूसरे खेत, अपने खेत में आओ। सो वो अपने आम के पूरे बाग में लिए आए। भाई ये देख सकते हैं आप, पूरा पीछे जितना भी देख रहे हैं ना सब भाई का है। और भाई यहाँ एक सेक आम लगे हैं, अलग अलग ब्रीड के तगड़े तगड़े आम लगे हैं, एकदम रसीले आम भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई मेरे ऊपर ये आम लगा है भाई, ये देख सकते हैं आप, गजब का आम है भाई, इतना बड़ा आम है, इसको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारे आम गिरे थे नीचे, और अभी क्या है अभी भाई से पूछते हैं कौन कौन ब्रीड के आम है। सो गाइस अभी जिस जगह पे हम लोग हैं ये आम को भाई भाई क्या बोलते हैं आम को, दिलबहार। सो ये आम को बोलते हैं भाई दिलबहार। इसका शेप देखिए बिल्कुल दिल की तरह है, बहुत सारे ऊपर लगे हैं भाई, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। अंदर से कैसे हो जाते हैं येलो टाइप में, और इनको तोड़ के अभी खाओगे ना जैसे ब्लैकबेरी की स्मेल आती है वैसे आएगी। तो भाई आप देख सकते हैं पहली बार मैंने आम देखा है, गजब का आम है भाई। तो भाई मैंने दिलबहार आम एक तोड़ लिया है जो कि अच्छे से पक गया है, तो भाई ने कहा इसको टेस्ट करके देखना। तो अभी क्या है अभी इसको टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे क्या सच में अंदर से बहुत टेस्टी रहता है। भाई ने बोला खा ही देखो। तो भाई साहब ये देख सकते हैं आप, इसका शेप देखिए केवल दिल की तरह है पूरा, ये देखिए इससे दिल नहीं होता है। अभी का सीन ऐसा है ना कि ऊपर तो पूरे में देखिए आप देख सकते हैं पूरा बाग है, और ये नीचे एक बेहतरीन सी प्यारी सी सुंदर सी नदी है जो कि बहुत ही प्यार से बह रही है। और मैं भी नीचे आ गया हूँ, देख सकते हैं आप काफ़ी गजब का लग रहा है भाई, पानी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सो बहुत गर्मी लगी थी ना, चल के मुँह धुलते हैं थोड़ा, पानी साफ है ऊपर से कोई गंदा पानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई इस जगह पे। तो भाई देख सकते हैं आप पीछे, और यहाँ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त भाई आ रहे हैं, मछली भी है, कभी कभी शिकार खेलने आते हैं। तो अभी क्या अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं और आम की ब्रीड देखते हैं थोड़ी सी क्या क्या। अभी हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ना वो मेन लंगड़ा का ब्रीड है भाई, लंगड़ा। तो देख सकते हैं आप पीछे ऊपर भाई साहब कितने कितने ढेर सारे आम लगे हैं भाई। भाई बोले जितने तोड़ना है तोड़ लो, बट क्या करेंगे तोड़ के यार, अब खाना ही नहीं हमको जब। तो आइए चेक करते हैं यहाँ नीचे, टूट के एक आधे आम ज़रूर पड़े होंगे क्योंकि अभी जितने पेड़ के नीचे गए थे आम मिले थे हर जगह। तो यहाँ भी देखते हैं शायद मैं भी पड़े हूँ। गाइज आप देख सकते हैं भाई ये देखिए, इस चीज़ से आप पहचानिए क्यों लंगड़े को इतने ज़्यादा अच्छा आम बोला जाता है। भाई देख सकते हैं आप एकदम नीचे इतना बड़ा सा आम लगा है। तो भाई ये देखिए, मैंने कहा था ना कोई आम नीचे पड़ा होगा टूटा हुआ, तो गाइस ये आम मिल गया है मुझे, और ये काफ़ी अच्छा पक गया है भाई। जो आम पक जाते हैं गिर जाते हैं टूट के, तो ये एक आम मुझे और मिल गया है। सो देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर ये बहुत ही टेस्टी आम होगा। और भी लगे हैं आगे देख सकते हैं आप, नीचे आम लगे हैं। मेरे पीछे जो पेड़ है ये अमरूद का पेड़ है, अब अमरूद का सीज़न तो है नहीं, तो अभी अमरूद निकले हैं नहीं भाई। देख सकते हैं अभी छोटे छोटे अमरूद हैं एकदम, ये देखिए एकदम छोटे छोटे अमरूद हैं जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी नीचे नहीं है अमरूद देख सकते हैं आप, देख लिए बहुत सारे अमरूद हैं भाई, और एक नहीं है काफ़ी पेड़ है अमरूद के। ये देखिए ये पीछे भी लगा है एक, और एक ये है, ये देखिए ये तो गर्मी के मारे काला हो गया भाई, तो देख सकते हैं आप। तो ऐसा भी देख सकते हैं अमरूद का शेप, ये अमरूद तो क्या बोलते हैं भाई कमेंट में बताना, हमको मालूम नहीं है अमरूद को क्या बोलते हैं। सो ये देख सकते हैं आप बड़ा अजीब शेप का अमरूद है, टेढ़ा मेढ़ा निकल रहे हैं सारे अमरूद, ये देखिए भाई। अगर किसी को भी मालूम है इस अमरूद को क्या बोलते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यार इस अमरूद को क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है।
गाइस ये जितना भी भाई का बाग है पूरा 16 बीघा का है और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है भाई। वहाँ से स्टार्ट किया था भाई, वहाँ से यहाँ तक आ गए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी पीछे और भी है। पीछे आम के पेड़ बहुत सारे लगे हैं पर वहाँ नहीं जाएंगे भाई, हिम्मत नहीं है। तो गाइस अभी क्या है, अभी आम ये काफ़ी पक गया है भाई, जिसको बोल क्या कौन सा आम है भाई, दशहरी सफेदा सफेदा। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त होता है आम, तो अभी ये आम तोड़ते हैं भाई। तो भाई ये देखिए अनब भाई के सर पे आके पड़ा है डायरेक्ट। हाँ तो गाइस बहुत सारे आम तोड़ लिया है और ये देखिए आप बैग में भर भर के आम ले जा रहे हैं, कैप में भर भर के आम ले जा रहे हैं। सो बहुत सारे आम तोड़ा है अभी और ये हाथ में मेरे लग्गी भी है, इसे स्टिक बोलते हैं और गाँव में इसे लग्गी बोलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आम तोड़ लिए गए हैं पक्के पक्के और बहुत ही ज़बरदस्त आम है और इसमें भी बैग में भी काफ़ी आम भर लिए गए हैं। तो अभी क्या है आम लेके चलते हैं भाई घर की ओर और इसको टेस्ट करते हैं कैसे आम है, भाई चलते हैं। तो भाई तुम्हारे भाई ने नया बिज़नेस चालू कर दिया है, तो आप लोग की बस ब्लेसिंग चाहिए थी। तो भाई देख सकते हैं आप आम बिज़नेस चालू कर दिया है, आम ले लो भैया। आम कितने रुपए किलो है? लेना है आम? हाँ कितने में? तुम्हारी औकात से मार। तुम बोली तो लगाओ। बोली तो तुम्हारी औकात ही नहीं खरीद लो। तुम बोली तो लगाओ। 10 बस करोड़ पूरा तो सुनो, 10 करोड़ गए। चेक लोगे कैश लोगे? जो दे दो। औकात है लेने की? अरे यार लेना क्या है, तुम रख दो उठा ले। कितने जीरो होते? 10 करोड़। हाँ 8। फिर से गिनो। 8 होते हैं। फिर से गिनो। आम हम तोड़ लिया है और अब यहाँ पेड़ के नीचे सुकून से बैठे हैं और ये सब देख सकते हैं आप कौन सा आम है भाई, ये सब सब मिक्स है, सीकल है जो ऑटोमेटिक टूट के गिरते हैं, कुदरती आम भाई और इतने मीठे रहते हैं भाई, ये पक जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और देखिए अनब भाई का प्यार देखिए, केवल इतने सारे हमको आम इसमें भर के दे दिया है, बहुत ही ज्यादा है। झोला हम घर से लेके आए थे, क्यों झूठ बोले? गाड़ी में पड़ा था भाई। सो गाइस आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अपना सबसे बेस्ट पार्ट बताइए इस ब्लॉग का तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास आ जाइए थोड़ा सा, देखिए अन्नू भाई कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ ना सर, क्या क्या दिक्कत है बताइए भाई। इनके केवल 5 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं 1K पूरे होने में, उसको जल्दी से पूरा करा दीजिए, अपना प्यार दिखाइए भाई। फिर से एक बार, अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है भाई। इनके केवल 5 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं 1K होने में, तो अपना लोग का प्यार दिखाइए, जल्दी से उसको 1K कराइए, भाई को सपोर्ट करिए।